वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में देखा गया है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन यादव उर्फ ददन पहलवान एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और सभा में वो ठहाके लगाते हुए कहते हैं कि इस बार दो नेताओं की विदाई करनी है, एक तो बक्सर विधायक को उनके गांव कुरान सराय भेजना है तो वहीं बक्सर के वर्तमान सांसद को भागलपुर भेजने की बात कहते हैं। बदलेगा बक्सर दोनों 24 में लोकसभा 25 में ददन पहलवान ददन यादव यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि हमने शिवानंद तिवारी को उखाड़ दिया है, हमने जगदानंद सिंह को भी उखाड़ा है। जानते बड़ा लोग तो शिवानंद तिवारी के जाके इलाज के नहीं थे, जगता सिंह के भी इलाज के नहीं, जेकरा के चाह जाए राजनीति में जर से कबार दिला उत्तर प्रदेश भी हमारा बारे में जाना था। इस पे मुन्ना तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद उखड़ा हुआ है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो मुझे क्या विदाई करेगा, मेरी हैसियत क्या देखेगा। मुन्ना तिवारी ने कहा कि मैं वैसे व्यक्ति पर बोलकर उनके टीआरपी नहीं बढ़ाना चाहूंगा। देखिए ऐसे सब चीजों पर, ऐसे गलत बयानी पर हम जैसे राजनेता बयान नहीं दिया करते हैं। जो स्वयं उखड़ चुका हो इस धरती से, जिसके जमीन पर पांव ही नहीं हो, उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा भी बोलें तो इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। हम लोग सर्वांगीण विकास के प्रतिनिधि हैं और महागठबंधन की जिस तरह से सरकार बिहार में काम कर रही है, सारे जाति साज सारे मजहब और सारे समीकरण को मिलाकर के महागठबंधन चल रहा है बिहार में और चल ही नहीं रहा है। 2024 और 25 में यहाँ महागठबंधन की ही जीत होगी और ऐसे गलत बयानी देने वाले नेताओं को मैं ये चेतावनी भरे लहजे में कहता हूँ कि आप कहीं के नहीं रह गए, आप जहाँ भी गए वहाँ से खदड़ाए हुए हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राजद हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, आपकी कहीं भी जड़ जमीन के अंदर नहीं है, आप स्वयं उखड़ चुके हैं। तो उखड़े हुए लोगों के बारे में हम जैसे राजनेता अगर बयान देंगे, हम जैसे जनप्रतिनिधि बयान देंगे तो ये जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि ददन पहलवान उस वीडियो में यह भी कहते देखे जा रहे हैं कि हम तय करते हैं कि बिहार में कौन जीतेगा, उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। उत्तर प्रदेश में जकरा के चाहिए चाहिए हो जे चाहब ओकरे के उहे जीती, ना तो जकरा के मन करी ओकरे के कबार दे। तो आप लोग चाहते हैं ना। इस वीडियो पर मुन्ना तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, उन्होंने कहा कि हमने वीडियो देखा है और यह कहीं ना कहीं से बौखलाहट है, हम लोग महागठबंधन में अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले समय में और बेहतर काम करेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग सवाल कर रहे हैं मैं उस व्यक्ति पर बोलने से बचना चाहता हूँ क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं बची है, वह अब कहीं के नहीं रहे हैं क्योंकि इस बार उनको राजद भी नहीं पूछ रही है, जदयू भी नहीं पूछ रही है और वह किसी के नहीं है, वह हर जगह जाकर खुद को देख चुके हैं और अब कहीं के नहीं बचे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना सबको आता है, हम सभी का ये नियत नहीं है और नेत नहीं है कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। आप बयान दे रहे हैं, आपका जमीन कहाँ है पहले अपने स्वयं गिरेबान में झांक कर देखे कि आपकी जमीन कहाँ है, आपकी सरह जमीन कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के यहाँ आपका जगह नहीं है बिहार में, अब आपकी जमीन है कहाँ, आप कहीं नहीं बचे हैं, आप स्वयं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ये संघर्ष करना पड़ेगा। आने वाले समय में मैं ये पक्का कह रहा हूँ कि ऐसे गलत बयान देने वाले नेताओं पर ऊपर के हमारे आला कमान जो भी नेता होंगे नेतृत्व करता है इन पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा कि नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जारी है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के नेता जो है कहीं ना कहीं जनता की ताकत को देखना चाहते हैं कि हमारे समर्थन में कितनी जनता है, क्योंकि जब तक नेता कुछ बोलेगा नहीं, उस पर सियासत नहीं होगी तो उनको अपनी हैसियत नहीं पता चलेगी और इसीलिए नेता बार बार ऐसे बयानों देकर के लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। लेकिन देखना है किस तरीके से आरोप
नेताओं पर प्रतिरोप लगाने से नेताओं को कितना लाभ मिलता है और आने वाले वक्त में उन्हें जीत मिलती है या फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। मैं बक्सर से विमल कुमार।